भयंकर आ रखा यार। और देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, चर के आ रहे होंगे। आ जा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भाई नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ दोस्तों, और आज की वीडियो की शुरुआत काफी लेट कर रहा हूँ। 12:30 बज चुके हैं दिन के, और काफी लेट हो गया दोस्तों। और दोस्तों आज का मौसम काफी प्यारा बना है यार, धूप आ रही है मस्त वाली यार। और इससे पहले मतलब 2-3 दिन पहले तो खतरनाक और भयंकर वाली बारिश हुई थी पहाड़ों में भी और बाहर भी, और बहुत जगह तो मतलब लैंडस्लाइड हो गया, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पुल वगैरह। जैसे आप कोटद्वार में लगा सकते हैं, वहाँ पे तो पुल टूट चुका है और वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग काफी दिक्कत आ रही है वहाँ पे तो। और हमारे साइड तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे सड़क टूटी, मतलब इतनी जान टूटी। और दोस्तों देखो आज का शानदार मौसम बना है, और देवी खेत कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से, और इन खेतों में हरी हरी घास बहुत प्यारी लग रही जो की। और इधर दूर दूर कुछ गांव वगैरह हैं, और इस साइड ओवर गांव रहा जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ से, हरी हरी घास वहाँ पे सीढ़ीदार खेतों में। और आसमान में बादल छाए हैं आज, और देवी खेत के आगे है ना जो गांव दिख रहा वो रहा कांडा खाल, वो दूर वहाँ पे एक टावर भी दिख रहा होगा आपको। और दोस्तों यहाँ से चलता हूँ मैं अब इन हरी हरी खेतों से, सीढ़ीदार खेतों से घर के लिए। इस वाली जगह पे दोस्तों हमारे घर पे यहाँ पे खतरनाक आई जम चुकी है आजकल बरसात के टाइम, और इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, हरा हो चुका है इधर पूरा का पूरा। और अपने कपड़े भी यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए, आज धूप आ चुकी है मस्त वाली, और ऊपर भी रखे हैं कुछ कपड़े। और कपड़ा अजीब सी बात मुझसे आती है अगर ये सूखे नहीं अच्छी तरह से तो। और दोस्तों मैं लंच कर लेता हूँ, लंच का टाइम भी हो चुका है, 1 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज दिन का लंच ये रहा मेरा, और आज बनी यहाँ पे काली मसूर, और यहाँ पे चावल, और यहाँ पे मैंने प्याज लिया है कुछ खाने के लिए, तो खाते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4, और हम घूमने के लिए निकल पड़े हैं सड़क के सड़क, और ये भाई रहे आकाश और मेरे साथ गोलू भाई भी है यहाँ पे। तो दोस्तों देखते हैं उधर बहुत सारे झरने फूटेंगे सड़क की तरफ, तो वहाँ पे नहा भी सकते हैं दोस्तों, मजा आएगा सच में यार काफी, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे ऊपर सड़क से, और यहाँ पे एक ढंडी सी बनी हुई मतलब तालाब है पानी का, आजकल बरसात के टाइम में रहता है यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा, तो देखते हैं है कि नहीं है पानी। और पानी तो आ रहा है नीचे यहाँ पे, ये देखो, और वहाँ पर रोहित भाई पहले पहुँच गए ऊपर, और इधर चलते हैं ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे यहाँ से, रास्ता बड़ा भयंकर है भयंकर। और ये गिर गया आराम से, वो फिसल गया वहां पे, फिसलने बहुत ज्यादा तो फिसल गया वहां पे। और यहाँ पे नहाएंगे हम इस वाली ढंडी में, यहाँ पे ऊपर सारा पानी, ये पानी है प्राकृतिक। दोस्तों मुझे मजा आ गया यहाँ पे नहा के, और ठंडा ठंडा पानी और अच्छी वाली फीलिंग आ रही दोस्तों। और दोस्तों रोहित भाई बोल रहे थे यहाँ पे मतलब 2-3 दिन पहले बहुत मोटा पानी था,
और मैं तो वहाँ पे जा रखा था कांवड़ में, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कितना मोटा पानी रहा होगा, पर वो आए थे साइड सड़क की तरफ, वो बोले थे बहुत मोटा पानी था यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से चलता हूँ मैं अब चलते हैं आगे घूमने के लिए और जामल की तरफ चलते हैं, जामल वाले सड़क का प्लान बनाया आज। और दोनों किधर पहुंच चुके हैं सड़क में और मैं अब जा रहे हैं यहाँ से नीचे, और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा घास हो रही है, हरी हरी। और दोस्तों ये रही जामल वाली सड़क, तो यहाँ से जामल की दूरी है 2 किलोमीटर, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास जाएंगे। और ये वाली सड़क रही डबोली वाली, ये वाली पक्की है और ये वाली कच्ची है, और मेरे साथ के दोनों के दोनों तो निकल पड़े हैं आगे आगे, और मैं काफी पीछे छोड़ गया, ब्लॉगर से पीछे छोड़ जाते हैं ये तो होता ही है वीडियो बनाते बनाते। यहाँ पे देखो दोस्तों पत्थर से पानी टपक रहा है, ये पत्थर है ऊपर और गीले हो रखे हैं काफी ज्यादा है आजकल हो रखे है बरसात के टाइम में, और इस साइड तो बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है ऊपर से। यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है पानी बहुत ज्यादा स्पीड में, और पत्थर बहुत ज्यादा गीले हो रखे हैं आजकल, और ये नज़ारे आजकल देखने को मिलते हैं दोस्तों बरसात के टाइम में। और ऊपर यहाँ पे चट्टान है खतरनाक, ऊपर देखो और पेड़ भी है यहाँ बहुत ज्यादा। और दोस्तों हम और आगे आ चुके हैं घूमते घूमते, और यहाँ से कुछ गांव दिखते हुए, ये रहा तिमली गांव, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से यार। और सड़क है वहाँ पे ऊपर देखिए, ये डावर में जा रखी है डावर गांव में, डावर गांव इस साइड रहा यहाँ पे, वहाँ पे पत्थर के मकान है पूरे के पूरे, और एक मकान यहाँ पे नीचे दिखता हुआ मुझे यहीं पे सामने, जंगल है यहाँ पे पूरे के पूरे, पेड़ है यहाँ पे घना सा जंगल है और अकेला मकान। और इस साइड रहा यहाँ पे डंगला गांव, कितना प्यारा दिख रहा है यार ये भी, पत्थर के मकान पूरे के पूरे, और इसके नीचे रहा यहाँ पे कलथर गांव, जूम करके दिखाता हूँ फुल, वाह मस्त वाला व्यू यार, काफी मस्त दिख रहा है यहाँ से। और वहाँ पे धूप आ रखी है मस्त वाली, यहाँ पे देखो अलग ही चमक है उसकी, तो उसी जगह पे आ रखी धूप और किसी जगह पे नहीं आ रखी। और दोस्तों इस वाली जगह पे देखो क्या भयंकर वाला लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे, ऊपर से काफी आ रखा है नीचे, और सड़क काफी कम बची है यहाँ पे, भयंकर आ रखा है यार। और देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, और टूट काफी जा रखा है यार यहाँ पे, देखो यहाँ बहुत ज्यादा टूट रखा है इस साइड तक। तो पहाड़ों में आजकल ऐसी दिक्कत होती है, मतलब लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से आ रखा देखो कितना ज्यादा आ रखा है यार, बहुत ज्यादा आ रखा है, और नीचे देखो यहाँ पे क्या भयंकर है यहाँ पे नीचे खाई है पूरी की पूरी। यहाँ पे दोस्तों कितनी सारी कुर्री हो रखी है, और कितने मस्त लग रहे हैं फूल यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं दिखने में, वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत सारे फूल यहाँ पे प्यारे प्यारे ऑरेंज कलर के। और हमें यहाँ पे कुछ बकरियां भी दिख गई यहाँ पे, तो ये चर के आ रहे होंगे आ जा, और यहाँ पे ताई जी आ रही है इनको चरा के, और आएगा बकर चरे को ना, और आएगा बकर चरे, और आएगा बकर चरे, हम एक बार खींच दो कागली जाने तो चराना कोनी गुनुब अच्छा अच्छा ये तेरा अच्छा कद बजी खोद में दे दे भाई अच्छा तो मतलब कोई 2 बज फुलदान कोई 2 बज फुलदान कोई 3 बज फुलदान कद बकर से पली हां छे छे अच्छा गोर उर नहीं से पली कोई गोर बात तो गोर बात गोर यहां पे देखो दोस्तों ये दूध पीता हुआ है बच्चा, और कितना प्यारा लग रहा है हर दिखने में। तो आपने देखा यहाँ पे ताई जी जंगल से बकरी उकरी चरा के लेके आ रही है, और उन्होंने बोला हम मतलब 2:30 बजे चले जाते हैं, और अभी बज चुके हैं शाम के 6:30। तो मतलब पहाड़ों में काफी मजा आता है यार ऐसी चीजों को देख के, मतलब हम भी मतलब पहले मतलब बकरी उकरी चराने के लिए जाते थे जंगल में, मतलब 10-12 साल पहले रहते थे, और काफी मजा आता था सच में यार। और ये बकरी उकरी मतलब रोजगार के उसमें भी आता है पहाड़ों में, तो यहाँ पे मतलब पेट उठ तो पाल नहीं है, मतलब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है पहाड़ों में, वैसे बहुत दिक्कत होती है रोजगार वगैरह की, यहाँ पे कुछ नौकरी उकरी तो होती नहीं है, आदमी मजदूर में बाहर जाता है, तो इस कारण मतलब बकरी उकरी पालते हैं बहुत सारे लोग, कोई बकरी पालता है कोई कुछ पालता है पेड़ पालने के लिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से जाते हैं घर के लिए, हम काफी आगे आ चुके हैं जामल के लगभग आस पास ही आ चुके हैं, तो घर के लिए निकलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है लगभग। उस वाली जगह पे दोस्तों मेरा ट्राइपॉड छोड़ गया ऊपर, तो मुझे वहाँ पे दोबारा जाना पड़ेगा ऊपर वहाँ पे,
कहाँ पे होगा यार, देखता हूँ कहाँ से यहाँ पे पहुँचा। ओ ये रहा, मिल गया, चलो आसानी से। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर में और मैं ले रहा हूँ चाय का आना, गरम गरम चाय का। और दोस्तों अंधेरा भी छाने लगा, धीरे धीरे करके देखिए मेरे पीछे, और उधर तो मजा आ गया यार, घूम घाम के भी आया आगे से, और वहाँ पे भी नहाया, मुझे तो बहुत मजा आया वहाँ पे सच में नहा के। और दोनों के दोनों इसलिए नहीं नहाए क्योंकि उन्हें डर था कि ठंड नहीं लग जाए हम दोनों को, सच बोल रहा, तभी नहीं नहाए वो दोनों के दोनों, उन्होंने बोला भी। और मुझे तो बहुत मज़ा आया सच में वहाँ पे नहा के यार, मोटा पानी होता ना और ज़्यादा और मज़ा आता सच में। दोस्तों रात के टाइम में क्या मस्त दिख रहा है यार, दूर दूर यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइट, इस साइड सारे के सारे गांव है इस साइड, बहुत अच्छा दिख रहा है यार रात के टाइम, मस्त वाला व्यू आ रहा। और आसमान में बादल छाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बच चुके हैं रात के 9 और मेरा खाना पीना भी हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप लोग प्लीज प्यार से सपोर्ट बनाए रखें, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जरूर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों प्लीज। और दोस्तों चलता हूँ मैं, बाय बाय, किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ मैं।